गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रेसिपी है वो है एप्पल चटनी की रेसिपी। और इसके लिए दो एप्पल लिए हैं मैंने, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी ली है, 1 चम्मच देसी घी लिया है यहाँ पे, और 1 चम्मच विनेगर लिया है, और इसके बाद जो है सफ़ेद नमक लिया है थोड़ा सा। साथ ही साथ मैंने ली है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और 4 से 5 पिंच मैंने ली है यहाँ पे हींग, और जीरा लिया है 1 स्पून, और साथ ही साथ लिया है सौंफ। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ जो एप्पल है उनको हम कट करेंगे। जब भी आप एप्पल लें तो थोड़े से पके हुए लें। तो एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, और अब हम आगे इसे पकाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन, और पैन में हम डाल देंगे ये घी। आप इसकी जगह दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं, जो आप चाहें। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे सौंफ, और थोड़ा सा इसे चलाएंगे, और इसके साथ साथ ही हम इसमें जीरा भी डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा चला देंगे, और साथ में ही हम हींग भी डाल देंगे इसी घी के अंदर। तो इन तीनों को हम अच्छे से चला देंगे, और जैसे ही ये थोड़ा सा भुनने लगेगा बहुत अच्छी सी महक आएगी इसमें। हम इसमें साथ साथ एप्पल भी डाल देंगे। ये चटनी आप जब भी बनाएं एप्पल उसी टाइम काटें, क्योंकि ये रखे रखे येलो से हो जाते हैं। अब इन मसालों के साथ इन्हें थोड़े से अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो से तीन मिनट जैसे ही ये पकने लगेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसने थोड़ा सा अपना कलर भी बदल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक मैंने थोड़ा सा लिया है, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे चीनी, और ये मैंने लिया है विनेगर, और ये भी साथ साथ डाल देंगे हम इसके, और ये मैंने ली है लाल मिर्ची। आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्ची ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े से कम खाते हैं तो इसलिए मैंने कम लिया है। आप इसे थोड़ा ढक के भी पका सकते हैं, और आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे भी पका सकते हैं। तो बस अब चीनी थोड़ी क्लैरिफाई हो जाएगी, और ये देखिए 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये थोड़ा मैशी मैशी सा भी होने लगा है। आप चाहें तो इस तरह से रखिए, नहीं तो आप इस तरह से स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देखिए। दोनों टाइप से रखने पे टेस्ट तो खैर वही आएगा, बस दिखने में आपको जैसे पसंद हो आप वैसे रख सकते हैं, और मिर्ची की मात्रा आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वो मैंने पहले भी बताया है। और चटनी हो गई है हमारी बनके रेडी, और अब जो है हम इसे करेंगे सर्व। और इस चटनी को आप खा सकते हैं पूरी के साथ, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ। इस चटनी में तीखा, खट्टा, मीठा सब फ्लेवर आएंगे, और बच्चों को तो ये बेहद पसंद आती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपकी फैमिली ने इसे लाइक किया या नहीं किया, या आपको पसंद आई या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।